दमोह में पड़ोसियों ने महिला को जिंदा जलाया। बुरी तरह झुलसी हालत बनी है नाजुक। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि यहां पर आपसी विवाद में पड़ोसियों के द्वारा एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, जिसमें महिला बुरी तरह से झुलस गई है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। महिला आग में काफी ज्यादा झुलस गई है, जिसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए जबलपुर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है। गंभीर रूप से घायल है महिला। आगजनी के बाद महिला पूरी तरह से झुलस गई है और उसका इलाज जबलपुर में चल रहा है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना में महिला का पति भी झुलस गया है। जला दिया अन्नू जैन ने। किसने? अन्नू जैन। कारण क्या है? गिट्टी डाली थी, गेहूँ डाल रहे थे। काय से जलाया? आपका क्या नाम? पूरा मामला जिले के बटियागढ़ में पुलिस थाने का है। बता दें कि थाने के नजदीक रहने वाली भारती लोधी नाम की महिला और उसका पति भागीरथ अपने घर के बाहर गेहूं सुखा रहे थे, तभी उनके घर के पास रहने वाला अन्नू जैन नाम का शख्स आया और भागीरथ से गाली गलौज करने लगा। जब भागीरथ ने विरोध किया तो अन्नू चला गया, लेकिन कुछ देर बाद अन्नू और उसका एक और साथी आए और घर के अंदर काम कर रही भारती के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। घर के अंदर घुसे दो लोगों को देखकर महिला का पति भागीरथ भी अंदर गया, लेकिन तब तक दोनों महिला को आग के हवाले कर चुके थे। पत्नी को बचाने में भागीरथ भी बुरी तरह से झुलस गया है। गंभीर हालत में महिला का पति उसे लेकर बटियागढ़ के उप स्वास्थ्य केंद्र ले गया, जहां से उसे दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर से उसे मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर कर दिया, जहां पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि कैमरे के सामने आग से जली महिला ने अपनी आपबीती सुनाई है। वहीं पति का आरोप है कि आरोपियों अनु जैन से उसका पुराना विवाद है, जिसे लेकर पहले भी आरोपी हरकतें कर चुका है। घटना को लेकर पुलिस के द्वारा संदेहास्पद माना जा रहा है। बता दें कि पीड़ित महिला के बयान दर्ज करने के लिए एक टीम जबलपुर भेजी गई है और पुलिस का कहना है कि बयानों के आधार पर मामला दर्ज होगा। जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए चैनल हेड मनेंदु पहाड़िया की रिपोर्ट।